आम किसके लिए है? तुम्हारे और प्रहास के लिए। लाओ इधर, मैं काट के देती हूँ। आई मैं छुरी साथ में लाई हूँ। तुम बिल्कुल अपने सोपान मामा पे गई हो। उसे भी आम बहुत पसंद है। बचपन में वो भी इसी तरह आम लाकर तुम्हारी नानी से पूछता था कि ये आम किसके लिए है माँ, ताकि मेरी माँ हम सब भाई बहनों को आम दे। उसके बाद माँ, मैं, तुम्हारे सोपान मामा, तुम्हारी शोभा और शारदा मौसी, हम सब मिल बांट के आम खाते थे। मैं तुम्हें काट के देती हूँ। लेकिन मैंने अकेले ही खाऊंगा। प्रहास, ये दोनों के लिए है। नहीं, मैंने अकेले ही खाऊंगा, मायना को नहीं दूंगा, क्योंकि आम खाने से उसका पेट खराब हो गया था। वो तो पिछली बार हुआ था, इस बार नहीं होगा। दादा मुझे आम दो ना, मुझे भी खाना है। नहीं, मैं आम नहीं दूंगा। आई बोलो ना दादा को देने के लिए। प्रहास बेटा, इसे भी दो। नहीं आई, मैं नहीं दूंगा। आई देखो ना, दादा नहीं दे रहा है। देखिए ना, फिर से नहीं बांट रहा है वो। आप समझाइए ना प्रहास को, मान्या उसकी छोटी बहन है, उसे मिल बांट के खाना चाहिए। पूर्णा, वो बढ़ता हुआ बच्चा है, उसे भूख ज्यादा लगती है। जाने दे, मैं कल मान्या के लिए और आम ले आऊंगा। ठीक है? ठीक है मान्या। आप ना, आप कभी भी अपने बेटे को नहीं समझाते। भिक्षाम दे, भिक्षा दे भाई। आओ साई। ईश्वर और उलझन। हाँ साई, हम बड़े लोग तो समझ जाते हैं कि हर चीज मिल बांट करके खानी चाहिए, लेकिन ये बच्चे तो बच्चे ही है ना, इनको कौन समझाएगा? समझेंगे, अगर समझाओगे तो जरूर समझेंगे। यही तो उम्र है इन्हें अच्छे और बुरे की पहचान कराने की। मन्या, यहाँ आओ बेटा। ये लो। क्या तुम ये केले अपने भाई के साथ बांटकर खाओगी? लेकिन वो कोई भी चीज मुझे नहीं देता। मन्या, लेकिन तुम बांट कर खाओ, जाओ भाई को दो। ये लो दादा। मान्या, जरूरी नहीं कि आम काट कर ही खाया जाए। देख, आम को ऐसे ले, उसका ऊपर वाला हिस्सा ऐसे काट के, थोड़ा सा रस निकाल के उसे ऐसे खा लो। कर्म योग का
जो कुछ है हाथ में तेरे, एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। अब देखो, तुम्हारे पास खाने और स्वाद में विविधता है, क्योंकि तुमने चीजों को बांटना सीखा। साथ ही ये बात हमेशा याद रहेगी कि आज मान्या ने बिना चाकू से काटे आम खाना सीख लिया। लगता है आपको अपने बचपन और उन लोगों की याद आ गई जिनके साथ आप चीजें बांट कर खाती थी। यादों का मिजाज ही कुछ ऐसा है। कब, कहां, किस दरीचे से झांकने लगे पता ही नहीं चलता। अल्लाह मालिक। मुन्नू चला गया और तू कह रहा है कि तुझे मालूम नहीं। जवाब दे, जवाब। सच कह रहा उस्ताद, मुझे कुछ मालूम नहीं है। उस्ताद, उस्ताद, मैं आपकी इतने सालों से खिदमत कर रहा हूं उस्ताद, आप मुझे कोई भी एक ऐसा वाक्य बता दीजिए जब आपको लगा हो कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे जाने नहीं देता। तो फिर इसे जरूर मालूम है कि मुन्नू कहां गया, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा हिमायती है। इसने उसे बचाने के लिए कल खुद मार खाई। इसी ने मुन्नू को पकाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं उस्ताद, मैं कुछ नहीं जानता। झूठ! चकमा दे दिया तो ये मत समझ दो कि तू सजा से बच जाएगा। बोलो, तेल खोला, आज इसके ऊपर खौलता हुआ तेल डाल के ही दम लूंगा। तेल खोला। माफ कर दीजिए उस्ताद, मेरा यकीन कीजिए, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुन्नू कब गया और कहाँ गया मैं कुछ नहीं जानता। अगर ये बात है तो भी तू सजा से नहीं बच पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि तेरे कारण से मेरा ये गन्ना टूटा। अब तू मेरे लिए गन्ना लेके आएगा और अगर तू नहीं लाया तो तुझे खौलते तेल में डाल दूंगा, ये मेरा वादा है। जा। लगता है उस्ताद ने मुझे सजा देने की ठान ली है, चाहे कोई बात हो या ना हो, गन्ने के लिए सजा देंगे। अब कहां मिलेगा मुझे गन्ना? देख क्या रहा है, जा जल्दी। शिरडी में मजाक कर रहे हो मुझसे? क्या तुम नहीं जानते कि इस वक्त शिरडी में गंदा नहीं मिलता? क्या आदमी है। सबने मना कर दिया है कि इस वक्त शिरडी में गन्ना नहीं मिलता है। अब क्या करूं, कहां से लाऊं गन्ना? आज मेरी मौत तय है, खाली हाथ गया तो उस्ताद जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या
क्या हुआ? रास्ता नहीं मिल रहा है या मंजिल? तुम तो कुछ बोलो ही मत साईं। तुम्हारी वजह से उस्ताद का पारा आजकल सातवें आसमान पर रहता है। अगर उन्हें मालूम हुआ कि मैं तुमसे बात कर रहा था फिर तो मेरी खैर नहीं। मुन्नू तो भाग गया और मुझे झमेले में फंसा गया। अब मार खाने के लिए मैं ही बचाऊं। बुरू तो हमेशा अपनी बातों से उस्ताद को उलझाकर अपना उल्लू सीधा कर लेता है। कहां मिलेगा मुझे ये गन्ना? सच कहूं उस्ताद, बाहर निकलकर आपने बिल्कुल सही किया, वरना जब से हम यहाँ आए हैं उसी खंडन में पड़े रहकर गांव के लोगों की परेशानियां सुन रहे हैं, अब और लोगों तक पहुंचेंगे। बेटे जब सरकार जाते हैं तो रास्ता नहीं काटते हैं, ठीक है? हाँ। अरे ओ अंता, जब मैं शिरडी में निकलता हूँ तब मेरे मार्ग में कोई भिखारी आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, हरिओम। ये हक सामने से दिखाने देता, सरकार आ रहे हैं। उस्ताद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चूने की? चल हट। इतना दुस्साहस, तूने मेरी पालकी को छू लिया? तेरे इस पालकी को छूने के लिए हिम्मत की क्या जरूरत है? ये ले, ये देख, छुआ मैंने। इतनी धृष्टता, तुझमें थोड़ा सा भी शिष्टाचार नहीं है? शिरडी के राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये तुझे ज्ञात नहीं है? शिरडी का राजा? अगर तू शिरडी का राजा है तो यहां रास्ते में क्या कर रहा है? जा अपने महल में जाके बैठ। ए, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। राजाओं में शिरडी का राजा, प्रजा के सुख दुख, यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को देखना मेरा दायित्व है और तुझ जैसे उपद्रवी को दंडित करना ये मेरा अधिकार है। होगा राजा तू अपने इन लोगों के लिए, मैं तेरी प्रजा नहीं हूं। तेरे ये थॉस उस पे नहीं चलने वाले। बहुत
बोरो, इस शिरडी के बादशाह की तो बोलती ही बंद हो गई। अंता पंता, इस आदमी की हड्डी पसली एक कर दो। ए रोक। अति हो गई, अति हो गई। आज इसकी ऐसे दुर्दशा करेंगे, अपने पैरों पे चल के नहीं जाएगा ये शिरडी से बाहर। शस्त्र का प्रयोग राजा युद्ध के लिए करते हैं, आप चाहें तो इन्हें मार कर अपने मन को पल भर के लिए शांत कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इनकी उद्दंडता को क्षमा करके माफी की मिसाल कायम कर सकते हैं। ए, मुझे सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है, चल हट। अगर एक कदम भी किसी ने आगे बढ़ाया तो इसको इतना दूर फेंकूंगा कि ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। खबरदार! सरकार, इसे बाद में निपट लेंगे, ये पागल आदमी है, कहीं इसने सही में पंता जी को फेंक दिया तो। सरकार, ये सिद्ध पुरुष है, ये आपका भविष्य भी बता सकते हैं। थोड़े गुस्से वाले हैं, पहली बार है, माफ कर दीजिए। सरकार, सरकार बचा लीजिए मुझे, सरकार बचा लीजिए। रुक जा, रुक जा। छोड़ दे इसे, मैं जाने दूंगा तुम्हें। हरिओम। कहां से लाऊं गन्ना? उस्ताद तो समझने से रहे कि शेडी में गन्ना नहीं मिलता है, और अगर खाली हाथ गया तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। नहीं, जान देने से अच्छा है कि मैं भी मुन्नू की तरह भाग जाऊं, यही मेरे लिए मुनासिब होगा। अब्बा तो बहुत बड़े साहूकार हैं, फिर तुम मेरे शागिर्द बनने की ख्वाहिश क्यों रखना चाहते हो? ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में एक मुकाम पा सकूं। मेरे अब्बा हमेशा मुझे ताने देते हैं कि मैं उनकी दौलत उड़ा रहा हूं, इसलिए चाहता हूं कि आपसे दीने तालीम हासिल कर मैं भी उन्हें कुछ बनकर दिखाऊं। आपका शागिर्द बन आपके नक्शे कदम पर चलना चाहता हूं। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो तुम, पर क्या काम कर पाओगे? मेरे हर हुक्म को पूरा करना होगा तुम्हें। जरूर करूंगा, मैं वादा करता हूं। आज से तुम मेरे शागिर्द हुए। नहीं, भागना गलत होगा। उस्ताद से मैंने वादा किया था कि उनका हर हुक्म मानूंगा, वादा खिलाफी कर नहीं सकता। गन्ना मंगाया है तो उस्ताद को गन्ना दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। वादा पूरा करने के बाद मैं सुकून से जा सकता हूं, पर गन्ना मिलेगा कहां मुझे?
क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? केवल तेरे कारण मैं वो नहीं कर सका उसके साथ जो मैं करना चाहता था। अभी तो उसके बारे में सब बता दिया आपको। चुप! एक समाचार शुभ नहीं है, एक समाचार एक वो सही ढोंगी कम था जो ये दूसरा ढोंगी भी चला आया है। अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि साई ने इतने सरलता से एक अज्ञात व्यक्ति को खंडर में रहने कैसे दिया। मैं उसे क्षण समझ गया था पंता, दिलावर और साई पाखंडी की मिली भगत है, वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और दोनों की कोई बड़ी योजना है। और मुझे ये भी आभास हो रहा है कि आगे जाके ये दोनों कोई बड़ी योजना बनाने वाले हैं। अब ज्ञात ये करना है कि दोनों में क्या साठ गांठ है। अहो, शिरडी में अपमानित होके आया हूं इसलिए मीठा खिला रही है मुझे। शांत कुलकर्णी सरकार, शांत। दिलावर सचमुच एक बड़ी योजना के तहत यहां आया है, एक ऐसी योजना जिससे आपकी और मेरी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप मुझे दिलावर को यहां से ले जाने के लिए कह रहे हैं? क्यों रखूं मैं उसे यहां? रखना होगा, दिलावर को यहां शिरडी में रखना होगा, क्योंकि मैं दिलावर को शिरडी में लाया हूं उस साई को यहां से निकालने के लिए।